हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने जनरल आइडिया पढ़ा था कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड ऑक्टेट होते क्या हैं। इसमें हम करेंगे ऑर्डर्ड ऑक्टेट जो न्यूरोस्पोरा क्रैसा में हमें मिलता है। अब ऑर्डर्ड ऑक्टेट का रोल क्या होता है, इसमें हम जेनेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जीन और सेंट्रोमियर के बीच में। तो मान लो हमारा क्या है, मान लो हमारा क्रोमोसोम है एक तो ये और दूसरा है हमारा ये। तो हमें इसमें क्या करना है, जीन कैलकुलेट करनी है, जीन और सेंट्रोमियर के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये है हमारा सेंट्रोमियर और ये है हमारा जीन। अब क्या होगा इस केस में, इसके भी दो टाइप है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन और सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन। अब फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ये दोनों है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जैसे कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में ये पास आउट हो रहा है तो क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें ये वाले जो हैं सेपरेट होंगे दूसरी तरफ मियोसिस वन में और ये वाला जो है दूसरी पोल की तरफ सेपरेट होगा। तो दो डॉटर सेल बनेंगी हमारी मियोसिस वन में। अब आगे क्या होगा, जब मियोसिस टू होगी हमारी, तो जब मियोसिस टू होगी हमारी तो सेंट्रोमियर स्प्लिट आउट होगा और डॉटर सेल में क्या होगा, हमारा पास आउट होगा कैपिटल ए और यहां से क्या होगा कैपिटल ए। तो इस सेल से हमारे बनेंगे ये दो डॉटर सेल और इस वाले से क्या बनेगा हमारा स्मॉल ए और ये। अब आगे जाके क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस सो होगी। तो माइटोसिस जैसे मैंने पीछे बताया था कि इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो इससे क्या होगा, चार तो बनेंगे इस सेल से, दो बनेंगे हमारे ये वाले और इस वाले सेल से भी सेम टाइप के बनेंगे। और इस वाले से क्या होगा, हमारा डॉटर सेल बनेगा ये वाला, ये वाला। सिमिलरली इससे भी दो डॉटर सेल बनेंगे तो इस केस में हमारा सेग्रीगेशन किस तरह से होगा, 4:2:4। तो हमें अरेंजमेंट यहां पे नोट डाउन करनी है कि चार ऐसे होंगे, चार ऐसे होंगे और क्या होंगे, ये पेरेंटल टाइप होंगे क्योंकि कैपिटल ए पेरेंट में था, तो इनमें भी कैपिटल ए है और सेंट्रोमियर है और दूसरे वाले में क्या था सेंट्रोमियर और स्मॉल ए और इनमें भी सेंट्रोमियर और स्मॉल ए है। तो ये तो हुआ हमारा पेरेंटल टाइप। अब है सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगी जीन और सेंट्रोमियर के बीच में। तो मान लो ये है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम कैपिटल ए कैपिटल ए और दूसरे वाला क्रोमोसोम है हमारा स्मॉल ए स्मॉल ए। ये भी आपस में क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस केस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो मान लो पहले केस में ये वाली क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो क्या होगा, इससे जब मियोसिस वन होगी तो ये वाला सेगमेंट जो है एक्सचेंज हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और हमें पता है क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, प्रोफेज वन की
पेक्टिन स्टेज में। तो अब क्या होगा इस केस में, जो प्रोडक्ट होगा हमारा मियोसिस वन का वो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसमें क्या बनेगा हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो डॉटर सेल बनेंगे हमारे ये वाले। अब आगे जाके क्या होगा, मियोसिस टू होगी, तो मियोसिस टू जो है हमारी माइटोसिस की तरह काम करती है और इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो डॉटर सेल बनेंगे इसमें चार, तो इससे क्या बनेगा हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए, क्योंकि कैपिटल ए दूसरे पोल की तरफ और स्मॉल ए दूसरे पोल की तरफ, तो दो डॉटर सेल बनेंगे हमारे यहाँ पे। और इस केस में क्या बनेगा हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब आगे जाके क्या होगी, माइटोसिस होगी, ये जो हमारा टेट्राड बन गया है यहाँ पे, क्योंकि चार डॉटर सेल है ना इसमें। अब क्या होगा, माइटोसिस होगी यहाँ पे, तो इससे क्या बनेंगे हमारे जो डॉटर सेल होंगे, ये आठ बनाएंगे, इससे बनेंगे हमारे दो, ये वाला और ये वाला, इस डॉटर सेल से जो मियोसिस टू की है, तो उससे दो डॉटर सेल आगे बनेंगे माइटोसिस में। अब इससे क्या बनेंगे स्मॉल ए और स्मॉल ए, ऐसे ही इससे बनेगा हमारा कैपिटल ए, कैपिटल ए, और इस डॉटर सेल से स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो इस केस में हमारी सेग्रीगेशन किस तरह से हो रही है, दो तो बन रहे हैं हमारे ये वाले, फिर दो दोबारा से ये वाले, फिर दो कैपिटल ए वाले, और ये फिर स्मॉल ए वाले। तो इस केस में हमारी सेग्रीगेशन हो रही है 2:2:2:2:2। ऐसे ही अब सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन का हमने पहला देखा था, जिसमें हमारी सेग्रीगेशन हो रही थी 2:2:2:2:2:2। और अब है सेकंड टाइप, जिसमें हमारी सेग्रीगेशन कैसे होगी 2:4:2:2। तो इस केस में क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर होगी हमारी वो होगी इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो क्या होगा इससे, जब मियोसिस वन होगी हमारी, तो ये वाला जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा हमारा डॉटर सेल में कैपिटल ए और स्मॉल ए मियोसिस वन में, और इस वाले में क्या होगा हमारा स्मॉल ए और कैपिटल ए। डायड बनेगा पहले, फिर होगी हमारी मियोसिस टू। मियोसिस टू हमें पता है इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्या होगा इसमें कैपिटल ए से कैपिटल ए कैपिटल ए, और इसमें क्या होगा स्मॉल ए और कैपिटल ए। अब बाकी जाके क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन थी, तो क्या बनेगा यहां पे कैपिटल ए कैपिटल ए, ये तो बना हमारा इस सेल से, और इससे क्या बनेगा हमारा स्मॉल ए और स्मॉल ए, ऐसे ही इससे क्या होगा स्मॉल ए और स्मॉल ए, और इस वाले से कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो अब देखें इसमें सेग्रीगेशन कैसे होगी, दो तो बने हमारे ये वाले और चार बने हमारे स्मॉल ए वाले, और फिर से दो बने हमारे ये वाले,
तो इस वाले ये वाला केस क्या होगा हमारा, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन का। तो क्वेश्चन में हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है कि सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो रही है या नहीं। तो इसमें ये हमें पता चलेगा इस रेशो से 2:4:2 या फिर 2:2:2:2। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि जीन और सेंट्रोमियर के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस वाया एन एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, हमें ये डाटा हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि जीन और सेंट्रोमियर के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस कितनी है। तो इस केस में हमें सबसे पहले हमने जो पीछे किया था कि रेशो कौन सी होती है पेरेंटल में, 4:4, जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन वाले में क्या होगा, या तो होगी हमारी 2:2:2:2 या फिर होगी हमारी 2:4:2। तो हमें वही कॉन्सेप्ट अब इसमें लगाना है सोल्व करते वक्त क्वेश्चन हमारे। तो पहले देखते हैं हम हर एक टाइप को कि पेरेंटल है या SDS वाला टाइप है। SDS मतलब सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, और पेरेंटल को हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन के थ्रू बन रहे हैं या नहीं। तो इसमें देखो चार ये वाले हैं और चार ये वाले, तो 4:4 हैं। तो रेशो कौन सी है, 4:4। अब 4:4 हमारी किस में थी, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में। तो ये हुआ हमारा पेरेंटल टाइप या फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन के थ्रू ये स्पोर यहाँ पे बन रहे हैं। अब है ये वाला देखते हैं हम, इसमें इसमें भी चार ये हैं और चार ये, तो ये भी कौन सा हुआ हमारा, पेरेंटल टाइप। अब इस वाले में अगर हम देखें तो दो तो हैं हमारे ये और 4 हैं हमारे ये वाले और 2 हैं हमारे ये वाले। तो कौन सा केस हुआ ये, 2:4:2 में ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, और 2:4:2 हमारा किस में था, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन में। तो ये हुआ हमारा SDS टाइप। ऐसे ही इस केस में ये दो सेम है, फिर चार ये वाले सेम है और दो फिर दोबारा सेम है, तो ये कौन सा टाइप हुआ, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। अब इस केस में दो ये हुए सेम, दो दोबारा फिर सेम, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, 2:2:2:2। तो ये कौन सा हुआ, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। अब अगले वाले में देखें तो ये भी दो हैं, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, तो यहाँ पे भी 2:2:2:2 रेशो है, तो ये भी हुआ हमारा सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। अब जेनेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमारे पास होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, जेनेटिक डिस्टेंस इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट ओवर टोटल और इनटू क्या होगा 100। अब रिकम्बिनेंट कौन से होंगे हमारे जो सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन के थ्रू बनेंगे, तो ये वाले होंगे हमारे रिकम्बिनेंट। अब इसमें भी क्या है हमारे, दो तो होंगे पेरेंटल टाइप और चार तो होंगे हमारे पेरेंटल टाइप और चार होंगे हमारे रिकम्बिनेंट टाइप जो स्पोर बने हैं। तो क्या होगा, इसको आगे हम कर सकते हैं फॉर्मूले को, 1/2 इंटू SDS, SDS क्या है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या है, पहले देखेंगे हम SDS को सम अप करेंगे, तो 5+3+4+2 कितना हुआ, 5+3 8, 8+2 10, 10+4 14,
तो 1/2 × 14 टोटल कितना है हमारा 40 40 80 और प्लस 6 86 86 प्लस 14 कितना हो गया हमारा 100। तो टोटल कितने बने हैं हमारे 100 और उसमें से 14 है हमारे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन को जो शो कर रहे हैं। तो और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 100 से, तो क्या होगा 2 7 जा 14 7/100 × 100 100 से 100 कैंसल आउट और क्या बचा हमारा 7 सेंटी मोर्गन या 7 मैप यूनिट। तो इसका मतलब जीन और सेंट्रोमियर के बीच में हमारे डिस्टेंस कितनी है 7। आई होप यू हैव फाइंड माई वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले में हम करेंगे अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस, जब दो जीन हमें दिए हुए हैं तो उन दोनों जीन के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे।